इंडिया और आयरलैंड के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज खेले जाने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से 2 ही मैच हो पाए और उसके बाद से फिर जो तीसरा मैच था वो बारिश में धुल गया। एक बॉल भी नहीं डल पाई और तीसरा मैच नहीं हो पाया। इसी के साथ साथ इंडिया ने आयरलैंड को क्लीन स्वीप किया, क्योंकि दोनों मैच हम ही जीते थे। पहला मैच जो था वो भी हम जीते थे DLS मेथड से, 2 रनों से वो मैच इंडिया ने अपने नाम किया था। और दूसरा मैच तो हम पूरा जीते ही थे, क्योंकि 185 रन इंडिया ने बनाए थे और बदले में आयरलैंड की टीम 152 रनों पर ही सिमट गई। उसमें रिंकू सिंह ने बहुत ही शानदार पारी खेली थी, 21 गेंदों में उन्होंने 38 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के भी शामिल थे और उनके लंबे लंबे छक्कों का फैन तो हर कोई है, तो हर जगह उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। और दूसरे मैच में रिंकू सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है रिंकू सिंह के लिए। आयरलैंड का दौरा उनके लिए बहुत अच्छा रहा, कुछ खिलाड़ियों के लिए अनलकी साबित रहा, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए बहुत ही लकी साबित रहा। अब एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के, उनका नाम है सबा करीम। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तारीफ करी है रिंकू सिंह की। चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि सबा करीम ने रिंकू सिंह को लेकर क्या कुछ कहा अपने स्टेटमेंट पे। रिंकू सिंह का घरेलू क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचना मेरे लिए इस दौरे की खोज है। यहां बहुत कुछ सकारात्मक रहा, मेरे लिए रिंकू टॉप पर रहे। उन्होंने परिस्थिति को बहुत ही अच्छे से समझा है। रिंकू ने जिस तरह से संतुलित पारी खेली है वो ऐसी पारी IPL के साथ साथ घरेलू मैचों में भी खेलते हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि उन्हें गेम प्लान बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए सबसे सकारात्मक बात है। सबा करीम की इस स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि रिंकू सिंह से वो कितने ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं, कितने ज़्यादा प्रभावित हैं। और बात किया जाए रिंकू सिंह की, तो हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, हर कोई इंप्रेस उनके बल्लेबाजी से। जिस तरह से वो घरेलू टूर्नामेंट्स खेलते थे, उसके बाद से फिर KKR में उनकी एंट्री हुई, KKR में भी उनको चांस नहीं मिला था। स्टार्टिंग 1-2 साल से वो हिस्सा थे लेकिन उन्हें चांस नहीं मिला था। उसके बाद से फिर उन्हें चांस मिला तो मौके पर चौका उन्हें बखूबी लगाना आता है। और उन्होंने जब गुजरात टाइटन्स के अगेंस्ट 1 ही ओवर में 5 छक्के जड़े थे, तब से उनका हर कोई फैन हो गया था और तब से वो लाइमलाइट में आए थे। उसके बाद से जब IPL में उन्हें शानदार प्रदर्शन किया, तब से लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद इस बार रिंकू सिंह को टीम इंडिया में मौका मिले। वेस्ट इंडीज सीरीज में उनका नाम नहीं आया था, लेकिन आयरलैंड दौरे पर उनका नाम आया और इस मौके को उन्होंने बखूबी भुनाया भी, शानदार पारी दिखाई। और अब हम आगे यही उम्मीद करते हैं कि रिंकू सिंह को आने वाले और भी मैचेस में मौके दिए जाएं। T20 में तो एटलीस्ट उन्हें मौका मिले, क्योंकि 6 नंबर पर आके एक फिनिशर की भूमिका बखूबी निभा सकते हैं रिंकू सिंह। आपके रिंकू सिंह कितने ज़्यादा फेवरेट हैं और आप रिंकू सिंह के कितने बड़े फैन हैं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।